इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टीटन ब्लास्ट के दोस्तों आज के मैच नंबर वन के बारे में। टीटन ब्लास्ट का दोस्तों आज का मैच नंबर वन ना केबीआर और दोस्तों पीबीआर टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा रात के 9:30 से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग आपको दोनों टीमों के सभी प्लेयर का अभी तक टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, बैट्समैन दोस्तों कब बैटिंग करने आता है, डेट मीन्स उनका बैटिंग पोजीशन क्या है, बॉलर दोस्तों कौन से बॉलर डेथ में बॉलिंग करते हैं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बॉलर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। और इस मैच में दोस्तों आप तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए, डैट मीन्स परफॉर्मेंस, बैटिंग ऑर्डर, डेथ में कौन सा बॉलर आता है, ये तीनों चीज़ को दोस्तों ध्यान में रख के स्मॉल लीग में किस 11 प्लेयर को दोस्तों आपको ट्राई करना है, ग्रैंड लीग में दोस्तों आप किस प्लेयर के साथ रिस्क ले सकते हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको एक बेहतरीन कम्बिनेशन बनाने में बेस्ट हेल्प करेगा। स्टिल दोस्तों अभी भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आप वीडियो देखते हो कहीं कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा बेहिचक दोस्तों, ठीक ना। कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए बना है और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस मैच के रिगार्डिंग दोस्तों आगे जो मैं वीडियो में आपके साथ स्मॉली का टीम शेयर किया हूँ ना उस टीम में यदि कोई प्लेयर बाई चांस नहीं खेलता है ना तो मैं कोशिश करूँगा फाइनल टाइम में आपको फिर से टीम अपडेट करके टेलीग्राम पर दे दूँ। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का इसी टूर्नामेंट का नेक्स्ट मैच का रहेगा जो रात के 12 से खेला जाएगा SBS और दोस्तों PPS टीम के बीच में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग KBR और दोस्तों PBR के मैच में कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इस मैच का कम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा दोस्तों तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ए झंको का। देखो दोस्तों ए झंको को ना आपको गलती से भी बोलो तो ड्रॉप नहीं करना है, भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, ठीक ना। इन्होंने जितना भी मैच खेला है दोस्तों बस यदि आप दो मैच हटा दो जिसमें ये 10 से नीचे स्कोर किए, अदरवाइज सभी मैच में भाई ने 30, 40 और दोस्तों दो बार तो 50+ भी स्कोर रहा है और सभी मैच में ओपन बैटिंग करने आएंगे तो कोई दोस्तों चांस ही नहीं है ड्रॉप करने का, ठीक ना। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों जो आपको रखना है अपने टीम में वो दोस्तों TLE को नहीं ट्राई करना है, एस पीटर को नहीं ट्राई करना है, आपको रखना है दोस्तों सी थॉन्टन को। सी थॉन्टन को क्यों रखना है दोस्तों, क्योंकि ये बंदा ना दो नंबर पर आपको बैटिंग भी कर लेता है और आपको 1 से 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देगा, डेट मीन दोस्तों ये विकेट कीपिंग नहीं करता है, ये दोस्तों आपको ऑलराउंडर का काम करके देता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देता है, तो इसी वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इस मैच में विकेट कीपिंग सेक्शन से आप ये दो लेके चलिए। अब आ जाइए दोस्तों बैटिंग सेक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ईलुइस, 100% आपके टीम में होने ही चाहिए, आप डायरेक्ट टीम को कैप्टन कर दो दोस्तों मैं मना नहीं करूँगा, वाइस कैप्टन भी करोगे दोस्तों तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन टीम से ड्रॉप नहीं कीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो हार जाइएगा दोस्तों। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एच हुफर का ऑप्शन मिलेगा, ये भी दोस्तों एक ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक ना। ऑलराउंडर प्लेयर को ऐसे भी दोस्तों T10 के मैच में कभी भी नहीं हटाना चाहिए, एच ओवर भी आपको 2 ओवर का बॉलिंग करके देंगे, साथ ही साथ ये भी ना आपको ध्यान रखना 3 नंबर पे आके बैटिंग बैकअप भी कर लेते हैं, मे बी बैटिंग का तो दोस्तों इनका चांस ना आए क्योंकि इनका टीम का जो स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है ना बहुत बार इनको बैटिंग का चांस नहीं आता है, लेकिन ये अपना काम दोस्तों बॉलिंग से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 ओवर का कंफर्म बॉलिंग कर रहे हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस टकेन का ऑप्शन मिलेगा, यार एस टकेन का अजीब सा परफॉर्मेंस रहा है। अब जैसे आप लास्ट मैच लोगे दोस्तों, भाई ने ना 1 सिंगल ओवर भी दोस्तों बॉलिंग नहीं किया, ठीक ना, बट उससे पहले वाले मैच में 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट लिए। अब दोस्तों यदि मैं आपको इनका ये रिकॉर्ड दिखाऊँ तो आप भी बोलोगे यार ये तो आपके टीम में होने चाहिए, लेकिन लास्ट मैच देखो इन्होंने बॉलिंग ही नहीं किया। तो ऐसे प्लेयर को आप सिंपली क्या करना, रोटेट करना, किसी भी टीम में फिक्स नहीं कीजिएगा, रोटेट कीजिएगा, यदि आप इन्हें रख रहे हो तो अदर प्लेयर को ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक ना।
जैसे दोस्तों आप नीचे ही मिलेगा सुखदेव सिंह का। देखो दोस्तों ये ओपन बैटिंग करेगा, ठीक ना। यदि आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 8 मैच खेला है, बट इट 8 मैच में दोस्तों सिर्फ एक मैच ही ऐसा रहा है जहां पे दोस्तों इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। अदरवाइज सभी मैचों में दोस्तों ये बैटिंग से टोटली फ्लॉप रहे और बॉलिंग दोस्तों करते नहीं। आप देखो सिर्फ एक मैच ऐसा रहा है जिसमें भाई ने बहुत बेहतरीन बैटिंग किया था। तो मैं अभी इनको टीम में रख जरूर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर के ये बहुत अच्छे दोस्तों बैट्समैन थे। लास्ट ईयर इन्होंने बहुत ही कमाल का बैटिंग किया था और इस साल भी ना अभी ये फ्लॉप जरूर चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी इनको ओपन ही कैप्टन इनको भेज रहा है बैटिंग के लिए। लेकिन जिनको भी एक GL में रोटेशन करना हो तो इनकी जगह एस टकेन को आप ट्राई कर सकते हो। आई थॉमस दोस्तों थोड़ा सा बैटिंग नीचे करता है, 4 से 5 नंबर पे बैटिंग करने आता है और बॉलिंग दोस्तों अभी ये कर नहीं रहे। स्टार्टिंग के मैच में दोस्तों कैप्टन इनको 1 ओवर एटलीस्ट बॉलिंग भी देता था, बट अब बॉलिंग मिल नहीं रहा है, तो इसी वजह से मैं अभी इनको बैक नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब आ जाइए दोस्तों इधर ऑलराउंडर सेक्शन। तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों एन स्टॉट का ऑप्शन मिलेगा जो आपके टीम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है। एवन लुइस के साथ दोस्तों ओपन बैटिंग करेंगे और आपको दोस्तों 1 से 2 ओवर बॉलिंग करके देंगे। टीम के कैप्टन है, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, लेके जाइए। के पेडी दोस्तों आपको 2 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे। बैटिंग का दोस्तों उम्मीद नहीं रखिएगा क्योंकि बैटिंग दोस्तों इनका आने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी टीम का यार बैटिंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए एज अ बॉलर मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, विकेट टेकर बॉलर है। बी मोहन दोस्तों मैं एज अ बॉलर नहीं रख रहा हूँ, मैं एज अ बैट्समैन आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि बॉलिंग दोस्तों इन्होंने ना पूरे टूर्नामेंट में कभी भी फिक्स नहीं किया है। अब जैसे आप देखोगे तो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग किया, बट उससे पहले वाले मैच में नहीं किए, उससे पहले वाले मैच में दोस्तों ये बॉलिंग नहीं किए। तो एज अ बैट्समैन आप इनको रखना क्योंकि बैटिंग से ये कंसिस्टेंट स्कोर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ना आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं, तो एज अ बैट्समैन हम लोग इनको ट्राई करेंगे। JFR को मैं नहीं करूँगा ट्राई क्योंकि कैप्टन इनको 1 ओवर देता जरूर है, लेकिन ये माइनस में आपको पॉइंट देके जाते हैं। अब आ जाइए दोस्तों इधर बॉलिंग सेक्शन। तो बॉलिंग सेक्शन में एम रिचर्ड्स आपके टीम में दोस्तों होने चाहिए, ठीक ना। एम रिचर्ड्स क्यों होने चाहिए दोस्तों, तो आपको 2 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग भी करेंगे और बाई चांस दोस्तों गलती से बैटिंग आ जाता है तो बैटिंग से भी आप इनसे 20-30 रन का उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि भाई ने इस टूर्नामेंट में बॉलिंग से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ही है, साथ ही साथ ना इन्होंने बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कुछ मैचों में। नीचे दोस्तों आपको डी जोचिम का ऑप्शन मिलेगा, मैं रख जरूर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इनके प्लेस पे अदर प्लेयर पे रिक्स ले सकते हो क्योंकि ये जो है ना ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, ठीक ना। और इनके सामने दोस्तों पावर प्ले में कौन बैटिंग करेगा, तो इधर से दोस्तों एन स्टॉट्स और दोस्तों इधर से एवन लुइस, जो जल्दी दोस्तों अपना विकेट देते नहीं है, तो इसलिए आप चाहिएगा इस मैच में इन पे रिक्स लेना तो GL में आप इनको ड्रॉप करके अदर प्लेयर पे रिक्स ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे रिक्स लेना हो तो इनकी जगह आप इधर से आई थॉमस को ट्राई कर सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको सी रेमोंड का ऑप्शन मिलेगा। सी रेमोंड यार विकेट टेकर बॉलर है, ठीक ना, इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा रिक्स ही बन जाता है क्योंकि एक तो दोस्तों इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है, T20 एक ही मैच खेले दोस्तों अंडर 19 में, साथ ही साथ CPL में भी सी रेमोंड ने काफ़ी मैचों में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है और इनका परफॉर्मेंस भी देखो तो ऐसा नहीं बहुत ख़राब रहा है, ठीक परफॉर्मेंस रहा है। जो लास्ट मैच सेम इन्होंने इसी टीम के अगेंस्ट खेला था वहाँ भी 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट लिए है। नीचे दोस्तों आपको एस लुइस का ऑप्शन मिलेगा। लुइस का 217% सिलेक्शन है, लेकिन दोस्तों आपके लिए ये इस मैच का ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन सकता है क्योंकि सामने जो टीम है ना दोस्तों ये KBR की टीम, इनका दोस्तों बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है पावर प्ले में। जैसे दोस्तों ओपन बैटिंग करने आएंगे दोस्तों इधर से सुखदेव सिंह जो बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं, इनके साथ दोस्तों ओपन बैटिंग करने आएंगे मेनली दोस्तों आना चाहिए जंकू को। जंकू अच्छा बैटिंग कर रहा है लेकिन इनके दोस्तों ये जो बैट्समैन है उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और इनके बाद अदर जो बैट्समैन आएंगे उनका परफॉर्मेंस और भी नहीं रहा है, तो लुइस को दोस्तों मैं इसलिए बैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इस मैच में ये विकेट लेते हुए दिख सकते हैं। नीचे से किसी प्लेयर पर रिक्स लेना हो तो आपके पास KRAMSARAN का ऑप्शन मिलेगा और रिक्स इसलिए लेना हो क्योंकि ये ना आपको 4 नंबर पे बैटिंग कर ले रहा है। आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट मैच में भी इन्होंने आपको बैटिंग से ज़्यादा नहीं लेकिन दोस्तों आप देखो तो 25 फैंटेसी पॉइंट दिए, उससे पहले वाले भी मैच में 27 फैंटेसी पॉइंट दिए और रेगुलर सभी मैच में बॉलिंग कर रहे हैं। सिलेक्शन इनका काफ़ी ज़्यादा कम है, बट आप ध्यान रखना एक
आपके लिए जीएल का ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक ना। चलिए आ जाइए दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन देख ले। तो कैप्टन दोस्तों मैं लुइस को कर रहा हूँ और वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने एन स्टॉट को किया है। लेकिन अनदर कैप्टन बीसी ऑप्शन के लिए दोस्तों ए जोंगकुक पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन दोस्तों। इस टूर्नामेंट में इन्होंने बेहतरीन बैटिंग किया है, तो इस मैच में ये तीन ऑप्शन पे मेन आपका फोकस होना चाहिए, ठीक ना। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टेस्ट श्वाइन करके रखिए दोस्तों। टॉस के बाद यदि इस टीम में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है तभी दोस्तों आप चेंजेस कीजिएगा, ठीक ना। अदरवाइज दोस्तों यदि कोई प्लेयर ना भी खेले तो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन वीडियो में दिया है आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। और मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपको फाइनल कॉम्बिनेशन अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, ठीक ना। तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।